हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज का सीन ये है कि आज फिर संडे है, संडे को फिर घूमने जाना है, लेकिन मैं सोचता हूँ अकेले घूमने जाना, ये कि ये मेरे टिनू मिनू है ना, ये दोनों मेरे साथ चलने शुरू हो जाते हैं। बोलते नहीं, हमने भी आपके साथ घूमने जाना, हमने भी व्लॉग देखना आप कैसे बनाते हो। तो मैंने बोला चलो टाइम संडे को फैमिली के साथ भी देना है। लेकिन आज एक सबसे बड़ी बात है, आज मेरे पापा जी मेरे साथ आए हैं, बड़े काफ़ी दिनों के बाद। पहले जब हम छोटे होते थे तो पापा साथ जाते थे घूमने के लिए, जब से हमने गाड़ी चलानी सीख ली है तब तो पापा हमारे साथ जाते नहीं है। तो आज मैंने पापा को स्पेशली बोला कि आप भी हमारे साथ घूमने निकलें। तो दोस्तों, आज का सीन ये है कि आज हम जाएंगे यहाँ से मानसर लेक देखने, जो कि 62 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो मानसर लेक जाने के दो रास्ते हैं, हम सुईसर रास्ते से भी जा सकते हैं और हम लोग बाया सांबा रोड से भी जा सकते हैं। सुईसर का रास्ता मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, लेकिन आज मैं जाऊंगा सांबा रोड से। सो दोस्तों, चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए मानसर लेक की तरफ। बाकी मानसर लेक की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, वो सब मैं आपको वहां पहुंच के बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लाइक करना और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ के जो व्यूज़ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, बड़े घने जंगलों में, डेंस फॉरेस्ट में ये मानसर लेक पड़ता है। तो चलो चलते हैं हम लोग मानसर लेक की तरफ। तो दोस्तों, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कभी गाड़ी चलाएं तो सबसे पहले क्या करें, सीट बेल्ट को बांध दें। तो पहले हम अपनी सीट बेल्ट को बांध लेते हैं, फिर हम जाते हैं अपने सफर की तरफ, क्योंकि हम सबको अपने सेफ्टी फीचर्स का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। सोचो दोस्तों, ये मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जब भी आप गाड़ी चलाएं सबसे पहले आगे वाले पीछे वाले सारे अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध दें। अब गाड़ी को आप आराम से स्टार्ट कीजिए। तो हम चलते हैं सतवारी चौक की तरफ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हमने सतवारी क्रॉस करके आगे आगे हैं, बड़ी रमना भी हमने क्रॉस कर लिया है। तो अब हम पहुंच गए हैं सरोल क्रॉस करके, यहाँ पे टोल प्लाजा आएगा। तो अब हमें यहाँ पे पहले टोल देना पड़ेगा। अगर आप जम्मू से जा रहे हैं सामने वाले रास्ते से, आपको एक दिक्कत आने वाली है, तो आपको टोल भी यहाँ पे कटवाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सुईसा वाले रास्ते से जा रहे हैं, जो सीधा वाला रास्ता है, वहां से आपको टोल नहीं देना पड़ता है, पर यहाँ से आपको टोल देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, की रोड काफी अच्छा है, 4 लेन रोड है, गाड़ी आपकी अच्छी भाग सकती है। कहाँ तक? मानसर रोड तक। मानसर रोड के बाद जब आप लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो फिर रास्ता थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो 2-वे रास्ता है और काफी टेढ़े मेढ़े कर्व है, वहां पे गाड़ी आपको आसान चलानी है। चलो अब हम कटवाते हैं पहले अपना टोल और फिर चलते हैं टोल प्लाजा से आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं मानसर मोड पे। तो आप ये देख रहे हैं रोड का काम लगा हुआ है। वैसे तो ये 4 लेन रोड है, आई थिंक ये 6 लेन रोड कर रहे होंगे इसको, ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए हमारे ट्रैफिक जैम में। सो यहाँ पे क्या है, जब रास्ता बंद हो जाता है श्रीनगर का, तो यहाँ पे काफी ट्रक लग जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी को चलाने में पुलिस वालों को मुश्किल आती है, इसलिए शायद ये रास्ता थोड़ा सा खुला कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं मानसर के गेट पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है वेलकम टू मानसर लेक, ये इसका एंट्री गेट है। पर अभी तो एक कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, काफी अच्छा बन जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब हम चलते हैं गेट से मानसर लेक के अंदर। सो फ्रेंड्स, मेरे एक तरफ आप देख सकते हैं ये आ गया एंट्री गेट ऑफ मानसर लेक, काफी अच्छी झील है, झील का मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप मेरे दूसरी तरफ देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, ग्रीनरी का व्यू है सारा। तो व्यू देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा है, ये मानसर लेक में पड़ता है, मानसर एक तरफ पड़ता है, ये व्यू एक तरफ पड़ता है। तो चलते हैं हम मानसर लेक के अंदर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं मानसर लेक पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लेक है, काफी बड़ी लेक है। अब लेक के बारे में क्या इसकी कहानी है, क्या हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है, वो मैं सब आपको बताता हूँ दोस्तों। सो पहले मैं थोड़ा सा ये बता लूँ कि ये जो झील है पूरी, इसकी जो लेंथ है जिसको हम लंबाई बोलते हैं, वो कोई 1 मील है, और जो इसकी चौड़ाई है वो कोई 0.5 मील है। तो दोस्तों, ये जो पूरा इसका एक सर्कल राउंड बना हुआ है, अगर आपको ये पूरी झील का चक्कर लगाना है तो ये पूरी झील जो है कम से कम 4 किलोमीटर की है, जिसमें कम से कम आपको 1 या 1.5 घंटा लगेगा पूरा एक चक्कर लगाने के लिए। अब बाकी स्टोरी ये है कि इस झील का निर्माण कैसे हुआ था, ये सब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बेसिकली ये पिकनिक स्पॉट थोड़ा कम है, और ये एक नाग देवता का मंदिर है, यहाँ पे शेषनाग जी का एक काफी बड़ा मंदिर बना हुआ है दोस्तों। सो उसके बारे में क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हैं पूरी पूरी झील में आपको दिखा रहा हूँ, काफी बड़ी झील है ये। तो ये देखिए, ये इतने बड़े राउंड सर्कल में है। इसकी क्या कहानी है कि एक बार युद्ध में अर्जुन जी के बेटे बाबर मान ने उसका सर काट दिया था, तो वो फिर उसका सर काट के अपनी माँ के पास ले गया। तो माँ ने देखते ही उसको बोला, बेटा ये तूने क्या कर दिया, ये बड़ी गलती होगी हमसे, क्योंकि ये तेरे फादर थे। तो फिर उसने सोचा कि अपने फादर को जिंदा कैसे करूं। तो तब उसके गुरुजी ने उसको बताया कि अगर आप पाताल लोक जाके मनी ले आएंगे तो आप अपने फादर को जिंदा कर सकते हैं। तो पाताल लोक जाने के लिए बाबर मान ने एक तीर चलाया था, जो कि सुईसर से लगा था और मानसर में आके निकला था। बेसिकली जो सुईसर है उसका जो असली नाम है वो है
सुरंग सर, क्योंकि वहां पे एक सुरंग बनी थी जिससे वो पताल लोग गया था, मनी लेके आया था। और फिर ये है मानसर, मानसर का असली नाम है मनी सर, यहाँ जहाँ से वो मनी लेके बाहर आया था। लेकिन ये नाम बिगड़ते बिगड़ते सुरंग सर का बन गया सुरंग सर, और मनी सर का बन गया मानसर। सुरंग सर और मनी सर में लगभग 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी ये जीव जंतु आप देख रहे हैं, ये सब देवी देवता के रूप है। यहाँ पे आप इनसे कोई छेड़खानी मत कीजिए। यहाँ पे लोग आते हैं, इनको आटा वगैरह खिलाते हैं, इनको खाने के लिए देते हैं, ताकि थोड़ा हमारे पूर्वजों के पहुँच सके। सो दोस्तों, जब भी आप यहाँ आए तो आटा जरूर दे यहाँ पे आके, ये देवी देवताओं का स्थान है। सो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं, ये सारे देवी देवताओं के रूप हैं, तो हमें इनको पूजना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे देखो, मेरी फैमिली बैठ के यहाँ पे इनको आटा डाल रही है, पावनी भी डाल रही है और अरसिया भी डाल रही है, और मेरी बीवी भी डाल रही है दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं ये दो। डाल डालो भाई, डाल डालो जल्दी जल्दी। अरे दूर कहाँ फेंक रहे हो आप। ये देखिए दोस्तों, बाकी लोग भी यहाँ पे आके आटा डालते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि मानसर का हमारा जो जर्नी थी कैसी रही। मैं बोलूँगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें। और फाइनली दोस्तों, यहीं तक आज का सफ़र था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, क्योंकि जल्द ही नया वीडियो आने वाला है। मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई दोस्त मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में आना चाहता है, नेक्स्ट राइड जो है वो हमारी बुलेट की होगी, 35 किलोमीटर की होगी हमारे जम्मू सिटी से, अगर कोई आना चाहता है तो मेरे को मैसेज कर सकता है। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।